કોરોનાની સ્થિતિ પર પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં બેઠક છે. હાલની સ્થિતિ પર પીએમ મોદીની સમીક્ષા બેઠક. બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને આરોગ્ય મંત્રી પણ હાજર છે. દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિ અને વેક્સિનેશન પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. तो कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत थी. 4:30 कलाके आ बैठक की शुरुआत थी. बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री और आरोग्य मंत्री पण हाजर छे. देश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा थई रही छे. त्रीजी लहर ने लई जे तमाम अटकळो छे, सतत केस वधता जई रह्या छे अलग अलग राज्यों में, तेने लईने समीक्षा करी रह्या छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू मोटू एलान. 26 डिसेम्बरे मनावाशे वीर बाळ दिवस. दर वर्षे वीर बाळ दिवस मनावामां आवशे. गुरु गोविंद सिंह जी ना प्रकाश पर्व अवसर पर एलान करवामां आव्युं छे. तेमणे कह्युं छे के आ वात जणावता मने गौरव थाय छे. शीख धर्मना 10मा गुरु गोविंद सिंह जी नी आजे जन्म जयंती छे, जेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए वीर बाळ दिवस तरीके उजवानी जाहेरात करी छे. की कचहरी और छोटे साहिबजादे संगत जी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संसार की उस बेदर्द कचहरी का दृश्य दिखा रहे हैं जिसकी चार दीवारी में श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के लाडले छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को बिना किसी कसूर के जिंदा दीवारों में चिन देने का फरमान सुनाया गया था. 21 दिसंबर 1704 को सरसा नदी के किनारे हुई भयानक जंग के दौरान कलगीधर पातशाह के छोटे साहिबजादे बहादुर सपूत बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी खालसा परिवार से बिछड़ गए थे. गुरु घर के रसोइये गंगू की गद्दारी के कारण छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी को सरहंद के नवाब वजीर खान ने दिसंबर महीने की अत्यंत ठंड के समय में ठंडे बुर्ज में कैद किया था. अगली सुबह 5 और 7 साल के नन्हे मासूम बच्चों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया, जहां ना कोई वकील था, ना कोई अपील और ना ही कोई दलील. बेखौफ साहिबजादों को झुकाने के लिए जालिम वजीर खान ने चालाकी से कचहरी का बड़ा दरवाजा बंद करवा के छोटा दरवाजा खुलवा दिया, ताकि छोटे साहिबजादे कचहरी के अंदर आते समय अपना सिर झुका दें. पर इसके उल्ट साहिबजादों ने सिर झुका के अंदर आने की जगह अपने पैरों में डाली जूती वजीर खान के सामने की और कचहरी में खड़े होकर छाती तानते हुए पूरे रौब से गरजते हुए फतेह बुलाई. वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह. फतेह सुनकर पास खड़ा सुच्चानंद कहने लगा, बच्चों ये तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह का दरबार नहीं, सूबा सरहंद वजीर खान की कचहरी है, इसलिए झुककर सलाम करो. झूठानंद की बात सुन साहिबजादों ने गरज कर कहा, गुरु का खालसा सिर्फ फतेह बुलाता है. संगत जी, सूबे की कचहरी में छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का ईमान डुलाने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए गए. पहले प्यार से साहिबजादों को लुभाने की कोशिश की गई, उसके बाद लालच दिए गए और फिर मौत का डरावा दिया गया. धन्य श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के छोटे छोटे लालों ने बिना डोले अपने आप को कुर्बान कर दिया, पर जालिम वजीर खान की एक न मानी. सूबाए सरहन नवाब वजीर खान ने साहिबजादों से पूछा कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे. तो साहिबजादों ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, वजीर खान पहले तो हमें यकीन नहीं कि तुम हमें छोड़ोगे, पर अगर हमें छोड़ दिया गया तो हम बाहर जाकर और सिंहों को इकट्ठा करके फौज तैयार करेंगे और तुम्हारे जालिम राज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे. साहिबजादों की बात सुनकर वजीर खान तिलमिलाकर कहने लगा, अभी भी समय है, मेरी बात मान जाओ, सिक्की त्याग कर मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा. वजीर खान की धमकी सुनकर छोटे साहिबजादे बोले, वजीर खान जीना मरना तो परमात्मा के हाथ में है, खुदा का खौफ कर, हमें मौत के डरावे ना दे, सिक्की हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है, हम बेखौफ जीते हैं और बेखौफ मरते हैं. धर्म के लिए कुर्बान होने का सबक हमें अपने परदादा श्री गुरु अर्जन देव जी और दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी से विरसे में मिला है.
साहिबजादों को झुका सकने में पूरी तरह नाकाम रहे गुस्से में झल्लाए जालिम वजीर खान के कहने पर सरहंद की इस बेदर्द कचहरी में काजी ने गुरु साहिब के लालों को जिंदा नीवों में चिन देने का फतवा सुना दिया। अगली सुबह सरहंद की धरती पर खूनी दीवार उसरने लगी। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह नीवों में खड़े होकर सिक्की सिदक निभाते हुए शहीदी प्राप्त कर गए। साहिबजादों की कुर्बानी की खबर सुनकर माता गुजर कौर जी ने भी अपनी कुर्बानी दे दी। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जी की बेमिसाल कुर्बानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।